जहाँ रहे स्थिर रहे अच्छे से रहे, बुजुर्ग है हमारे अभिभावक है उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी बड़ी पड़ते गारंटी नहीं ले सकते है, मोदी जी का छप्पन नहीं चलेकिन चाचा का गारंटी लेने की बात आएगी तो चुप नहीं ले सकते। तो भाइयों हम आप लोगों के लिए कुछ खबरी लाए, आपने अपने भाई को 17 महीने से काम करने का मौका मिला, बिना भेदभाव के सबके लिए हम लोगों ने काम किया, अस्पताल राजा के छापा मारते थे। आज 10 साल हो गया मोदी जी, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। मोदी जी बोले थे महंगाई खत्म करेंगे, ये भाजपा वाले लोग को पहले महंगाई ढाई लगती थी, अभी इनको महबूबा भाव ढाई लगती है। हर चीज महंगा हुआ है ना, अभी फसल कट रहा है तो मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगना कर देंगे। बताओ एक दिन का फसल में एमएसपी है, बाकी जितना फसल कट रहा है उचित दाम मिल रहा है हमारे किसानों को नहीं मिल रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है मतदान दे करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताए। तो आप लोगों का सवाल बने की बात करेंगे, मोदी जी की बात नहीं करेंगे। मोदी जी तो इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। अब बीजेपी का तो काम ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी आए चुनाव में 5 साल बाद फिर आएंगे, बात आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता। बिहार का स्पेशल पैकेज हम लोग देंगे, स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे और स्पेशल पैकेज कितने का होगा, 1,60,000 करोड़, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र को अगर बांटे तो एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया आपके क्षेत्र के आपके फुटरी डुबरी के विकास के लिए हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों की तरक्की हो, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे भारत का विकास नहीं होगा। गैस सिलेंडर का रेट हो गया 1,200-1,500, अगर हमारी इंडिया गवर्नमेंट इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी तो 500 रुपया का दिया जाएगा, 200 यूनिट जो है बिजली मुक्त कर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुक्त कर दिया जाएगा, अग्निवीर जैसे योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। और सेना में जैसे पहले बहाली की जाती थी, रेलवे में जैसे पहले बहाली निकलता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग निकलवाएंगे। अग्निवीर योजना के जो नौजवान भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, उनको 4 साल में बाहर कर देगा, बताओ कैसे चलेगा 4 साल में, 18 में ज्वाइन करेगा, 22 में जब तक पूछो नहीं आएगा अपनी टायर होगा। अग्निवीर योजना में क्या है, शहीद का दर्जा भी नहीं, जो भारत माँ के रक्षा के लिए गोली खाएगा उसको शहीद का दर्जा मिलना ना चाहिए, तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं। क्या मोदी जी भारत माता की जय कह रहे हैं, कुछ ले अग्निवीर योजना को खत्म कर।